वहां पर हिंदी और अंग्रेजी बोलते बोलते ना मुंह एकदम फिरवा गया था, एकदम ऐसा की सर्जरी की आदत तक है, लेकिन अब बोलते बोलते आ रहा है, बचपन से बोला है, अब मुझको याद आ रहा है। हालेलुया बोला तो सादरी में, हालेलुया बोला हालेलुया मतलब हालेलु जोड़ या, हालेलु मतलब स्तुति करो, स्तुति करा, प्रशंसा करा, यह के प्रशंसा करा। तो सादरी में बोला यह के प्रशंसा करा, बोला हाँ। और इसे अगर मैं हिब्रू में ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या बोलूं, हालेलुया है ना, हालेलुया वो है। आगे चलेंगे, अब बहुत अच्छा है। हे जक्कई उतरा, रुकेंगे हाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। बहुत तो नहीं लगे थे हाँ? लगा थे बोलना कोई, मैं तो सुन दो अपन दहिना कान से क्या बोलना करे, जाके थोकिया से कैसा लगी बोल लगा थे हाँ? नहीं हाँ बोलना फिर कोई हो, बोल लगा थे कि नहीं, नहीं ओके राइट। अब पढ़िएगा बहुत अच्छा, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं है ना, बहुत जरूरी है इस प्रकार से। अच्छा काले ऐसा बात करा तो मौके लगभग नहीं करेगा कि मैं आसाम के तक हूँ, मौके तो ऐसा लगेगा कि यह वो घर है ना, आसाम बहुत बढ़िया लगेगा। हमें दिल्ली में भी बात करेगा, आसाम तो जैक चाहिए है ना, ज्यादा दिल्ली में थैंक जैक से बहुत अच्छा कि यहाँ आए कि यहाँ पर रहा और यहाँ का चाय तो बहुत बढ़िया है। अच्छा फुटकर हुए रहा यहाँ की नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया बढ़िया। और चीपा चीपी जानता कि नहीं चिपा चिपी, शुरू में टीपा टीपा बोला तो टीपा टीपा बोला। अच्छा टीपा मतलब क्या होता है, यहाँ से पानी टीपा टीपा गिरा तो टीपा मतलब क्या हुआ, एक हाँ जब हाड़ी पी एक स्टार्ट करी ला हाँ, दारू जब स्टार्ट हो तो कैसा हो रहा एखन बता तो शुरू में बोला ईमन बोल में टीपा टीपा बोला हाँ क्या बोल रहे ईमन बोला। उकर बाद अब टीपा टीपा से बात नहीं बना थे ना, और मन कर रहे थे अब तो छिपा छिपा है ना। अच्छा छिपा मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है छिपा, कटोरी, शुरू में टीपा टीपा बाद में छिपा छिपा, उकर बाद बोला पीपा पीपा है ना, इतना बड़ा बड़ा ड्रम है उसका तो ढेर सारा पिएगा है ना। आज के सब्जेक्ट से बाहर आ गया, लेकिन अब ये सब ऐसी जगह के देख लग और एक बात के सोच ले लग, का सोच लग देखा और सोच के का बोला थे, हे जक्कई आइए, हे जक्कई झट उतरा, झट उतरा उसका मतलब कि देर मत कर, झट उतर आ इसका मतलब क्या होता है आपको मैं आज के दिन बता देता हूँ, थोड़ी देर हिंदी में बोलू। झट उतरा का मतलब जहां पर तू है, जिस बात के अंदर तू है, जिस समस्या के अंदर तू है। मूसा जब झाड़ी के सामने खड़ा था तो परमेश्वर को बोलना पड़ा अपनी जूती को इस भूमि में से उतार ले, क्योंकि ये जगह क्या है, ये जगह पवित्र है। यीशु मसीह चाहेगा हमीन के बहुत जगह से उतरे पड़ी अपन घमंड से, एकदम फोतमाए के जो मुंह एकदम अकड़ के जो बात करे ना, मौके कौन बोल सकेला, मोए तो यहाँ के एकदम डॉन है को है ना, ऐसा बोले से यीशु मसीह नहीं सुनी। बहुत बहुत सारा गाच है जहां से हमके उतरे के, बोलिए उतरे के, उतरे के जरूरत है। घमंड के पेड़ में चढ़ गया, मोर फर्स के देखा, अरे मोर पास इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल, इतना सारा पैसा, मैं अपन घमंड के गाच में चढ़ के नाचत हूँ और बोलत हूँ कि मैं यीशु मसीह के देखे खोजो ना। लेकिन यीशु मसीह बोले ना, अगर घमंड के पेड़ में चढ़ा, अगर घमंड के गाच में चढ़ा, अगर व्यभिचार के गाच में चढ़ा, एक बात की जरूरत आए तो के नीचे उतरे आए, अगर नीचे उतर गए जब कहीं जान ले तो एक खाली मौके देखे ले आए। लेकिन मैं इतना एक बात की प्रतिज्ञा करत हूँ, अगर उतर आवे इस मीटिंग के अंदर, अगर उस पेड़ से लोग उतर करके नीचे आ जाएंगे तो यीशु मसीह एक खत बोला थे, मैं उकर सेवक होए के नाते बोला था, यीशु मसीह एक खत बोला थे यहाँ से मोए तो के यह जगह नहीं छोड़ देवो, मैं तो साथ, मैं तो घर में जाऊंगा, हालेलुया हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जाऊंगा, हालेलुया मैं जाऊंगा, आई विल गो एंड आई विल ब्लेस योर होम, हालेलुया हालेलुया बोलिए, हल्ला करके बोलिए, हल्लालुया जोर से बोलिए, हालेलुया। जन्म जुगा ले, जन्म जुगा लगे, एक ही जन्म के नहीं तुम्हें अनंत जीवन के प्रभु यीशु तुम्हें मौके चुना ले, हालेलुया तुमने मुझको चुना, जन्म जुगा ले, जन्म जुगा लगे। आगे बहुत अच्छा लगेगा, समुझ से बाहर प्रभु तो दया हमर लगे,
जीवन पुथी में मोर नाम, बोला हाँ, जीवन पुथी में मोर नाम क्या है? दुनिया में नहीं हुए ला, कई बार आधार कार्ड नहीं भरे ला, कई बार काका नहीं हुए ला, नाम नहीं मिले ला, अप्लाई करे ला तो पता चले ला कि हमारे तो नामे नखे, रिजर्वेशन में नाम नहीं मिले ला, लेकिन मैं यीशु मसीह के धन्यवाद करता हूँ, दुनिया में नाम कोई लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन यीशु मसीह जीवन के पुस्तक में मोर नाम के चढ़ाए है, और उसकी वजह से आज के दिन मैं बोल सको ना कि वो उद्धार करता है। हालेलुया, मैं इसके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ। अब आगे बहुत अच्छा लगेगा जी। तो उतरे के जरूरत आए कि नहीं आए, मुलारी में बोल रहा हूं, हमारे परमेश्वर ने क्या बोला है? आम दोन का जी लेता आमा लोते नाता मेरा, है ना? आपने कहा है कि आपसे मेरा रिश्ता है। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा जी, अभी मुंडा गुप्ती घर बैठा है, मुझको देख के हंसेगा। हाँ, आगे बढ़ो। यह देख कर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वाह, जब देखा यीशु मसीह उसके घर आ गया तो आदमी मन के मन में का घुस गया? मैं तो इनसे पूछा तो का घुस गया उसके मन में? हिसिंगा, बोला तो हिसिंगा। अच्छा, हिसिंगा लगेगा कि नहीं? इक्यू के देख के बहुत जोर लगेगा कि कटी कटी लगेगा? बहुत जोर लगेगा। हाँ देखो बिल्कुल कैसा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया मुझको इनके साथ बात करते। बहुत जोर लगेगा और बहुत आदमी मन के मन में हिसिंगा घुस गया, बोला घुस गया कि यीशु मसीह जैसा आदमी हमीन के घर में आवे चाहिए। हमीन तो धनी है, हम तो धनी है, हमारे पास आ गया मालूम नहीं माइक हमारे हमीन से डराएगा कि क्या करेगा, बंदे हो जाएगा, है ना? और जो से चीजें वो है। अच्छा सुना, बोर तो नहीं हुआ था, पीछे वाला मन नहीं बोला थे, एकदम आप फेर के हंसा थे, मैं तो दांत के भी देख सको ना। हालेलुया, इट इज कॉल्ड द रूरल इवेंजेलिज्म। हाँ करके देखा थे ना, तो कहा बोली मक्खिया के भरे से भूल जाएंगे। समाचार का आनंद ये सर, यही हम लोग के लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं, बीमार है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह इनको आज यहाँ पर हंसाता है, यीशु मसीह पर दया करेगा। हालेलुया, आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। अब सुनेंगे, बहुत अच्छा है, उतरा क्योंकि मुझको तुम्हारे घर में जाना अवश्य है, और लोग बिल्कुल जलन से भर गए। आगे पढ़िएगा, वही थोड़ा को कोई बात नहीं, हल्का सा, ओके गुड, मास्टर के इनकम कर लो। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, उकर मतलब क्या कह रहे हैं? यह हुआ के लूट रहे के नहीं, बोला लूट रहे, अधर्म का पैसा, घूस घास, है ना, ये और वो, 10 प्रकार से पैसा कमाए रहे, लेकिन जब यीशु मसीह अलग तो बोले लगभग अब मौके अधर्म के पैसा नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग बट आई सिंपली वॉन्ट जीसस टू मेन माई लाइफ, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर। हालेलुया। अच्छा बोला थे, देख यीशु मसीह, और एक बार बोलिए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, जिनसे छीना था उनको दे देता हूँ। हमारे दिल्ली में घटना हुई, छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर किसी का पैसा ले लिया उसको फंसका के मत रखिए जेब में, है ना? अगर कर्जा लिया है हर हाल में उसको हमको क्या करना चाहिए? अच्छा, कर्जा के सैलरी में क्या बोलेंगे? पैसा बोलेंगे। अगर पैसा लिया चाहे वो 10 रुपया है, एकदम सीधा सीधा बात बोला, तो अगर चाहला कि परमेश्वर आशीष देवी तो कुछ काम के करे, बहुत जरूरी है, चाहे 5 रुपया लिया, 4 रुपया, 10 रुपया, अरे 10 रुपया की काउंट पीछे रहा, मत सोचा ऐसे। अगर केकरो लेके रही था तो आज के दिन मैं बोले क्या, अगर उके जाए के अगर ए माई ठीक हो जाओ ना यीशु मसीह के नाम, पानी तो रुक लग। अब सुना, अगर 4 रुपया भी आए
अगर दे देवे ना मैं एक बार जाऊंगा, परमेश्वर घर में बहुत सारा आशीर्वाद के बोलेगा, बहुत सारी ऐसी आशीषें, बहुत बार आप बोलवे गिरजा जात को प्रार्थना करत हो, बाइबल पढ़त हो पादरी साहब, सो कुछ तो करत हो, काले मौके आशीष नहीं मिलेगा उस टाइम में। एक बात के सोच बात ऐसा तो रखे कि लेके रही हूँ, गरीब आदमी आए और मैं रोहित करके रही हूँ, अगर ऐसा ना है तो एक बात की जान लेवा, कभी प्रभु आशीष नहीं देगी। आगे चलिएगा, बहुत अच्छा, आपका 20 मिनट और। व्यक्ति ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से करके मैंने लिया है, और यदि किसी का अन्याय से ले लिया है, 2 फुट जमीन अगर छीन लिया है, कुछ और कर दिया, भाई के ऊपर केस कर दिया है, अगर 10,000 बातें हैं, अगर अन्याय से कुछ लिया है तो उसे चौगुना कर देता हूँ, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अरे बार पढ़ेंगे तो उसे, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है हाँ, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया बोलेंगे, राइट। अब आज के दिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हेलो, आप तो बोले थे, आप तो बोले अलग अलग टाइम टाइम है ना, तो एक बात की बोले क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, जब कई आदमी कैसे रहे, बहुत धनी रहे कि नहीं, खाली एक दूध को आदमी मन बोले ना, महिलाओं की आवाज में तो सुनाइए है, हैं जब कई धनी आदमी रहे कि नहीं, उकर पास सब कुछ रहे पर खाली एक बात की कमी रहे, कि कहा रहे नटरा, एक दिन बोलता किया है ना, नटरा रहे, खाली एक कभी रहे। अगर नामान के जीवन के देखभाल जो कि आराम के सेनापति रही है ना, जो आराम के सेनापति रहे, तो उकर बात उकर बारे भी लिखा रहे, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूं, उकर बारे भी लिखा रहे, सेनापति था, ताकत थी, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन एक बात लिखा रहे, लेकिन वो कोढ़ी रहे, किने देखा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर, किने देखा तब ना, राइट, उधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए, इधर, हेलो, मैं यहाँ पर हूँ, हाँ सुनिए, राइट, सब कुछ रहे, लेकिन खाली एक बात के वजह से, अगर परमेश्वर के वचन के देखवा, बड़ा बड़ा परमेश्वर के सेवक बना है।